हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं मामा अंसारी, आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? हाँ, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं मास डायरेक्टर रोहित शेट्टी एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा के बारे में। देखिए, ये बात तो हम सभी लोगों को पता है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड रोहित शेट्टी दोनों एक साथ कोलैबोरेट करने वाले हैं। एंड गाइस, थैंक गॉड नाम की फिल्म जो है जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा अजय देवगन है, अजय देवगन ने अपना वेब सीरीज डेब्यू तोड़फोड़ तरीके से रुद्र से किया। पहले दिन सारे व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तोड़ दिए। एंड अब गाइस, सिद्धार्थ मल्होत्रा इज मेकिंग हिज वेब सीरीज डेब्यू। बट फ्रेंड्स, बड़े बड़े एक्टर्स अब वेब सीरीज का जो रुख है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यंग एक्टर्स ब्रिगेड में सिद्धार्थ मल्होत्रा इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू हु आर मेकिंग देयर ओटीटी डेब्यूज। बट फ्रेंड्स, हमने देखा किस तरह से शाहिद कपूर भी अली अब्बास जफर के साथ ओटीटी पर आएंगे, अक्षय कुमार दी एंड के साथ आने वाले हैं, बहुत साल पहले अनाउंसमेंट कर दिया, अब कब शुरू होगा किसी को पता नहीं। अजय देवगन आ चुके हैं एंड गाइस, अब यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा आने वाले हैं रोहित शेट्टी के साथ। अब रोहित शेट्टी जहाँ इन्वॉल्व है वहां पर पुलिस एंड कॉप ड्रामा ना हो ऐसा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट रोहित शेट्टी एंड सिद्धार्थ मल्होत्राज बिग 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 कोलैबोरेशन फॉर अ वेब सीरीज फॉर Amazon प्राइम वीडियो। एंड गाइज, इसकी शूटिंग जो है वो कल शुरू होने वाली है। यस फ्रेंड्स, टबैको फैक्ट्री जो है विले पार्ले में, वहां पर ये पूरी की पूरी वेब सीरीज जो है वो कल से शुरू होगी। रोहित शेट्टी भले इस वेब सीरीज को डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो सेट्स पर रहेंगे, वो मॉनिटर करते रहेंगे। स्क्रिप्टिंग सेशंस में भी रोहित शेट्टी एक्टिवली इन्वॉल्व थे इसके प्री प्रोडक्शन में। एंड जब से सूर्यवंशी रिलीज हुई है उसके अगले हफ्ते से ही वो अपने ओटीटी डेब्यू एज अ प्रोड्यूसर उसमें लग चुके हैं अलॉन्ग विद सिद्धार्थ मल्होत्रा। इसको डायरेक्ट करने वाले हैं नर्दन सुशवंत प्रकाश। सुशवंत प्रकाश पहले भी शाहरुख भाई की फिल्म दिलवाले एंड उसके बाद रणवीर सिंह की सिम्बा में यहां पर रोहित शेट्टी को असिस्ट कर चुके हैं। सो गाइस, ह्यूज न्यूज कमिंग इन। ये जो कॉप यूनिवर्स है अब जाने वाला है ओटीटी पर। अब क्या ये ओटीटी कॉप यूनिवर्स, यहाँ पर सिम्बा, सूर्यवंशी, सिंगम एंड जिस तरह से रोहित शेट्टी ने कहा है दबंग से चुलबुल भी यहाँ पर कॉप यूनिवर्स में आने वाले हैं, क्या इसको ज्वाइन करेगा या नहीं ज्वाइन करेगा या आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सिद्धार्थ मल्होत्रा की जो वेब सीरीज है जहां पर वो एक कॉप बेस्ड ड्रामा पार्ट लेने वाले हैं उसकी शूटिंग कल शुरू होने वाली है इन गोल्डन टबैको फैक्ट्री इन विले पार्ले। सिद्धार्थ मल्होत्रा की बात करें तो ये साल मिशन मजनू आएगी, थैंक गॉड है उनकी। योद्धा की शूटिंग बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं, यहाँ पर बहुत ही हाई ऑक्टेन एक्शन सीन्स जो है योद्धा में वो शूट किए गए हैं। पुष्कर ओझा एंड सागर आमरे एन एरियल एक्शन थ्रिलर बनाने वाले हैं योद्धा को लेकर। एंड गाइज, यही साल मिशन मजनू की जब बात ही छिड़ी है तो मिशन मजनू के रिलीज डेट को भी लेकर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हुई है। मिशन मजनू पहले 13 मई को रिलीज होने वाली थी, रश्मिका मंदाना द क्रश ऑफ द नेशन, नेशनल क्रश जिसे कहते हैं, पुष्पा के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है, तो उनकी जो डेब्यू होने वाली है प्रॉपर हिंदी बेल्ट में वो होगी नर्दन मिशन मजनू के साथ। ऑब्वियसली अमित जी के साथ भी उनकी एक फिल्म है, लेकिन गाइस, जो रिलीज डेट था मिशन मजनू का वो था 13 मई। YRF ने अपनी रिलीज डेट जो थी जैसे कि पठान, टाइगर 3, उसके साथ जयेश भाई जोरदार, रणवीर सिंह की जो फिल्म है उसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी एंड वो रिलीज डेट अनाउंस की 13 मई। लोगों के दिलों में कंफ्यूजन आ गया कि आयुष्मान खुराना एंड अनुभव सिन्हा की जो फिल्म है अनेक वो भी 13 मई को आने वाली है, जयेश भाई जोरदार भी 13 मई को आने वाली है, तब सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड रश्मिका मंदाना की जो मिशन मजनू है वो कब जाएगी। तो गाइस, 13 मई से वो फिल्म को शिफ्ट कर दिया गया है एंड आज सुबह को ही मिशन मजनू की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है। एंड गाइस, मिशन मजनू अब जो है वो रिलीज होने वाली है ऑन द 10th of June। यस फ्रेंड्स, 10th of June इज द ऑफिशियल डेट फॉर सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड रश्मिका मंदाना's मिशन मजनू। हाईली एम्बिशियस फिल्म है, बहुत ही बड़ी फिल्म है, इसको छोटी फिल्म समझने की गलती मत कीजिएगा। इट इज द स्टोरी ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑपरेशन, तो ये बहुत ही बड़ी फिल्म है, लेकिन 10 तारीख का जो डेट है वो पहले से ऑक्यूपाइड है बाय नन अदर देन गोविंदा नाम मेरा। यस फ्रेंड्स, गोविंदा नाम मेरा इसमें विकी कौशल है, बहुत बड़ी फिल्म है गाइज, धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म है गोविंदा नाम मेरा। ये फिल्म भी 10 तारीख को, इसको शशांक खैतान डायरेक्ट करने वाले हैं, बड़ी फिल्म है ये भी 10 तारीख को है। मिशन मजनू भी 10 तारीख को है। 17 तारीख को आयुष्मान खुराना एंड रकुल प्रीत सिंह की फिल्म डॉक्टर जी भी है। 3 जून यानी कि मिशन मजनू से एक हफ्ता पहले ही YRF की मैग्नम ओपस फिल्म यानी कि पृथ्वीराज भी रिलीज होने वाली है। सो गाइस, ये साल आपको ब्रीदिंग स्पेस नहीं मिलने वाला। स्टार्टिंग फ्रॉम राधे श्याम जो दौड़ शुरू होगी फिल्मों की, ये दौड़ है, हर हफ्ते फिल्म पे फिल्म आने वाली है।
किसी को भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। राधे श्याम के बाद बच्चन पांडे के बाद ट्रिपल आर के बाद देन अटैक आने वाली है। अटैक के बाद ब्रीदिंग स्पेस है थोड़ी बहुत, फिर KGF, हीरोपंती 2, रनवे 34, पंपिंग, रेगुलर पंपिंग होने वाली है फिल्मों का। सो गाइस यहाँ पर मिशन मजनू ने 10 तारीख का जो डेट है वो ले लिया है। ओके गाइस, सौ बज का एपिसोड सभी लोगों को पसंद आया होगा। आर यू एक्साइटेड फॉर सिद्धार्थ मल्होत्रा कोलैबोरेशन विद रोहित शेट्टी? एक और कॉप यूनिवर्स में कॉप ऐड होने वाला है, क्या ये कॉप यूनिवर्स में जाएगा या नहीं जाएगा, इसकी एक्साइटमेंट सभी को है। मिशन मजनूज रिलीज डेट हैज बीन अनाउंस्ड। सिद्धार्थ मल्होत्रा आफ्टर द ह्यूमंगस सक्सेस ऑफ शेरशाह अब बड़े पर्दे पर आने वाले हैं। इनकी सेकेंड इनिंग्स कैसे कह सकते हैं इस बार होने वाली है विद मिशन मजनू। ही हैज थैंक गॉड, ही हैज योद्धा, तीन बड़ी बड़ी फिल्में हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा की ये साल। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।